आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे इफ कंडीशंस की। तो जैसे इफ कंडीशंस मतलब कि हमें कोई कंडीशन चेक करके दो में से एक रिजल्ट को देना है कि अगर ऐसा हो तो ठीक है, ऐसा ना हो तो आगे ना बढ़े। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास डेटा है सेल्स का और मुझे यहाँ पे मान लीजिए इंसेंटिव देना है और मैं चाहता हूँ कि जो ग्रेटर देन 50 है उस पे 500 का इंसेंटिव आ जाए। जनरली हम लोग इफ से करते हैं लेकिन हम वीवीए से कैसे करेंगे, चलिए आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्म ये देता हूँ, बनाता हूँ इफ वन। तो हमारे पास क्या है, सिंगल रिजल्ट एंड सिंगल कंडीशंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ रेंज ए टू, रेंज ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 दैन रेंज बी टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 500। लेकिन ये जो कोड लाइन लिखा हमने वो सिर्फ एक सेल के लिए था, ए टू के लिए, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि पूरा कॉलम पे चले। तो जाहिर सी बात है मुझे इस कोड को कई बार रन करना पड़ेगा, किसके मदद से, लूप की मदद से। तो मैं यहां पे लगाऊंगा कि 4i इक्वल टू चले 2 से चले कहां तक, तो सबसे लास्ट। तो लास्ट कैसे पता चलेगा, तो लास्ट पता चलने के लिए हमने यहां पे ये बताया कि a 65000 डॉट एन एक्सलेस अप डॉट रो। हमने 2 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि डेटा हमारा 2 से 1 तक हमारा हेडिंग है। और फिर जो यहां पे A2 है उसके जगह पे हम I दे देंगे कमांड करके, ताकि वो A2 A3 B2 B3 ऐसा होता रहे। ओके, और यहां पे फिर मैं लूप को यहां क्लोज करता हूं, नेक्स्ट टाइम। तो प्रीतम जी, अनिल जी, अतीश जी एंड जाहिद जी, कोई डाउट इस कोड में? नो सर। कुछ समझ में आ गया? यहाँ पे हमने आई क्यों लगाया, कि दिक्कत समझ में आया? यस सर। क्योंकि आई जब भी लूप चलेगा, आई एक काउंटर है, अपने आप को इंक्रीज करेगा, तो ये आपका वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो A2 A3 A4 A5 ऐसे यहाँ पे वर्क करेगा। मैं इसको प्ले करता हूं तो आप देखेंगे कि आपके यहां पे रिजल्ट्स आ गए। ओके, तो हमने यह बताया कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस एंड सिंगल रिजल्ट था। क्या था? मल्टीपल कंडीशंस एंड सिंगल रिजल्ट्स। तो अगर मेरे पास सिंगल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट, अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशन हो, जैसे बिटवीन का, कि मैं यहां पे एक करना चाहता हूं कि 50 to 80 हो, तो यहां पे हमारा 800 का इंसेंटिव है 50 to 80। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम प्रोग्राम ए, इसी प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं और यहां पे मैं देता हूं 2। बस मुझे यहां पे एंड फंक्शन लगाना होगा कंडीशंस में, यहां पे एंड, और यहां पे हम देंगे रेंज ए के साथ डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 50। ओके, एंड का रिजल्ट हम कब करेंगे, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो और कंडीशंस रिक्वायर हो, जैसे एक्सेल में होता है। ओके, वहां पे। लेकिन मुझे यहां पे देना है कि जो इस कंडीशन, मान ली मल्टीपल कंडीशन पे लेते हैं, कि इसके अलावा जो आएगा उस पे मुझे 750, यहाँ पे मान लीजिए 500 का इंसेंटिव देना है इसके एल्स में। तो मेरे पास अब क्या हुआ कि कंडीशन तो है मल्टीपल कंडीशन और ऑल्सो मल्टीपल रिजल्ट्स है। या फिर मैं ये करना चाहूं कि मैं इसको कलर्ड करना चाहता हूँ, मान लीजिए एल्स फिलहाल हटा देता हूँ, कि जिस जिसको हम ये दे रहे हैं, या ऊपर वाली वैल्यू को देख लीजिए कि मैं सिंगल कंडीशन भी सिंगल है लेकिन रिजल्ट मल्टीपल है,
मतलब कि मुझे इसमें 500 तो देना ही है, साथ में इसको कलर भी करना है। तो मल्टीपल जैसे आपके पास रिजल्ट्स आता है तो आपको इफ लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा। कैसे, देखिए, तो मुझे यहां पे तोड़ के इसको नीचे लाना होगा और फिर यहां पे मैं रेंज अपना जितना भी लाइन ऑफ कोड है वो कोड इसके अंदर में आप डाल सकते हैं। ठीक है, एक के साथ डॉट इंटीरियर और डॉट कलर इक्वल टू वीवी ब्लू। ठीक है, और फिर आपको यहां पे एंड इफ करना पड़ेगा। तो एंड इफ वाला सिस्टम कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पास मल्टीपल रिजल्ट होगा तो। समझे भतीजी, कोई डाउट इसमें? सर, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है और इक्वल टू 500 है, तब तक ये ग्रीन ब्लू करता रहेगा ऐसे? सर आई थिंक वो जो रेन लास्ट वाला दिया है वो आपको बी पे करना चाहिए ना, जो आउटपुट हाँ, होगा उसका कलर चेंज होना। मतलब जहां भी कर, हाँ नाउ इट इज मैं रिजल्ट को कर मतलब दिया चाहिए, आप जिसको करना चाहे वो दे सकते हैं। मतलब कि ये मैं ये हाँ चाहता हूं कि अगर आपके पास रिजल्ट में कई सारे लाइन ऑफ कोड है, मोर देन वन लाइन ऑफ कोड है, तो आपको इस तरह से एंड यस करके यहां देना पड़ेगा। लेकिन आपके पास सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो आप एंड इफ करने की जरूरत नहीं है, पूरा इकट्ठा एक बार में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर समझ गए? या मुझे मान लीजिए कि मेरे पास लाइन ऑफ कोड नहीं है, मुझे मान लीजिए कि एल्स में मुझे 500 देना है, मुझे यहाँ पे एल्स का भी है कि एल्स में मुझे 500 देना है, तो क्या करें? तो भी मुझे यहाँ पे एंड इफ इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे मैं इसको 3 करता हूँ और यहाँ मैं इसको तोड़ के नीचे लाता हूँ रेंज को और यहाँ पे देता हूँ एल्स। और फिर यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे दे रहा है रेंज, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसे, मान लीजिए यहाँ पे 800 करना था और बाकी में मुझे 500 करना था। ये हमारा हो गया। ये मतलब कि इसके बाद जब नीचे वाली लाइन हो, एल से पहले लाइन होगी वो ट्रू पार्ट होगा, ये हमारा फॉल्स पार्ट हो गया। तो एल्स के बाद मतलब कि कंडीशन मैच ना होने पे क्या हो वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर, डाउट इसमें नहीं आपको सर? हेलो सर, ये एल्स के अंदर मल्टीपल दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, मल्टीपल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो अब यहाँ पे कंडीशन, अब मुझे अगर और देना पड़ा तो, जैसे कि मान लीजिए कि मैं दूसरे किसी शीट में इसी में डेट डाल देता हूँ, कोड करना होगा, एक नाम के दो मैक्रो नहीं हो सकते। मैं यहाँ पे डेट, कुछ डेट डालता हूँ, मुझे इसके सामने वीक एंड देना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे वीक एंड देना। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी के यहाँ से टीवी का आवाज आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन देनी है, तो कैसे दे? चलिए, तो हम यहाँ पे पांचवा कंडीशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहां पे एंड के जगह पे हो जाएगा हमारा और, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है लेकिन इसमें सैटरडे या संडे कोई हो सकता है, और लगेगा। तो इसमें कैसे लगाएंगे? लूप तो सेम रहेगा, तो लूप में यहाँ पे एच हो जाएगा, H2 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे H 65,000 हो जाएगा। और यहां पे हम देंगे पहले कंडीशन की इफ फॉर्मेट। फॉर्मेट क्यों लगाएंगे? क्योंकि मुझे सैटरडे संडे में कन्वर्ट करना है डेट को, किस डेट को? तो रेंज की एच वाले को, रेंज एच के साथ
जो क्या करना है, तो इसको मुझे इक्वल करना है, इक्वल नहीं, इसको कॉमा तीन बार डीडी, ताकि सैटरडे संडे में कन्वर्ट हो जाए। तो इक्वल टू सैटरडे, फिर यहां पे हमें देना है और फिर इसी को हम यहां से कॉपी कर देते हैं। ठीक है, देन रेंज आई के साथ वापस आई कंबाइन होगा, वेरिएबल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू में, एंड इफ, और यहां पे वीकेंड के जगह पे वीक डे हो जाएगा। ठीक है, ये रहे, तो ऐसे दो तीन चार ऐसे लगा सकते हैं कंडीशन। जाहिद जी प्लीज म्यूट करके रखें, यहां पे एरर आ गया, टाइप मिसमैच आई। हाँ, यहां पे हमने ये नहीं दिया ना, इक्वल टू यहां, यहां पे आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने। ये समझ में आ गया आपको? अब यहां पे एक चीज और सीखे सर, क्या अभी बस की, अभी तो चलो ठीक है, अब तीसरी लाइन लिखेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा ना सर। हेलो, हाँ यस सर, आप एक काम कर सकते हैं कि स्पेस और यहां पे अंडरस्कोर लगा के लाइन को तोड़ सकते हैं, तो इसको एक ही माना जाएगा। स्पेस लिखने के बाद अंडरस्कोर देके अब अपनी लाइन को दूसरी वाली लाइन यहां लिख दीजिए, तो ये दोनों एक ही लाइन, जो भी जहां तक अंडरस्कोर रहेगा वो जैसे तीसरी ऐसे चौथी ऐसे पांचवी लाइन अंडरस्कोर करके लिखते चले जाओ, तो जहां तक अंडरस्कोर जिस लाइन का आगे रहेगा वो उसको एक ही लाइन मानेगा। इसको दोनों को दो लाइन नहीं, एक ही लाइन को मान मानेगा, समझे? यस सर। डाउट इसमें नहीं, सर एक क्वेश्चन है इसमें। जैसे कि नॉर्मल एक्सेल में हम ईप लगाते हैं ना, तो एंड का यूज हम लोग दो या तीन या मल्टीपल कंडीशन अगर साथ में ट्रू होता है तो वो रिजल्ट ट्रू में आता है, और का जो हम यूज करते हैं उसमें कोई एक रिजल्ट ट्रू है तो होता है, तो इसमें इसमें भी सेम है, ये इसमें भी ये चीज सेम है। ओके, समझे? यहाँ पे आपने सैटरडे संडे दो लिया है, लेकिन मल्टीपल अगर ले, यहाँ पे और है ना सर? हाँ हाँ, सैटरडे या संडे को एक ही हो सकता ना, दोनों तो नहीं होगा। यस सर, और यहाँ पे हमने दिया कि दोनों होने चाहिए, 50 से बड़ा और 80 से छोटा दोनों होने चाहिए। यस सर, ठीक है, तो ये हमारा था नॉर्मल है। मैं आप लोगों को कोड भेज देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, और आप लोग मुझे इसके करीब 5 एग्जाम्पल बना के मुझे भेजिए, ताकि मैं कल आप लोगों को नेस्टेड इफ के बारे में बताए, इफ पे एडवांस दीजिए आप बताए। ठीक है, श्योर सर। प्रीतम जी आपकी ईमेल आईडी क्या है? रावत प्रीतम, बाद कुछ दिन बाद याद हो जाएगा सर। हेलो रावत सर, रिकॉर्डिंग भेजा, एक्चुअली मेरा स्टेबल नहीं होगा, एक्चुअली मैं सुन नहीं पाया या आप क्या बात है, मुझे अभी तक आ रही हूँ रिकॉर्डिंग की, तो मैं रिकॉर्डिंग भेज आप एक बार रिकॉर्डिंग भेज देंगे मुझे ये वाली? ठीक ठीक है, हम यहाँ पे आपको कोड भेज दे रहे हैं, कोड भेज देते हैं, साथ में इसकी रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर में भेज देंगे। थैंक यू सर।